हेलो 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 नमस्ते नमस्ते कर लो नमस्ते हैप्पी होली यार बहुत छोटे हैं तो एक ही बार था तो मेरे पास हेलो अरे मार रहा है ये तो इसको ले आओ उसको ले लिया वो गया अरे बाप रे जाओ जाओ तुम भी आओ जाओ हेलो वो जाएगा नहीं हाय हेलो अरे बाप रे हमने कभी बच्चे के साथ नहीं है यार एक्सपीरियंस नहीं है कोई तुम कहाँ जा रहे हो कंधे में बैठा लो तो दोस्तों जैसा कि हम आपको पता है कि हम किस चीज़ के लिए आए हैं और कहाँ आए हैं बाकी सारी डिटेल आपको सर देंगे क्योंकि यहाँ का सारा जो भी है मैनेजमेंट यही हैंडल करते हैं और बाकी चीज़ें आपको सारी सर बताएंगे कि यहाँ कैसे कैसे काम होता है और कैसे ये सब अरेंज करते हैं बच्चों के लिए तो सर कुछ बताइए अपने बारे में देन यहाँ के बारे में मेरा नाम कमलकांत तिवारी है ये संस्था है सुभाष चिल्ड्रन होम जो शहर के अनाथ बेसहारा बच्चे हैं उनको यहाँ रखा जाता है हम ऐसे बच्चों रखते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं या आप जानकारी में नहीं होते हैं और आज की तारीख में 35 बच्चे हमारे पास हैं हम लोग पिछले 12-13 साल से इस होम को चला रहे हैं लोगों से मदद लेते हैं स्कूल से मदद करते हैं प्राइवेट डोनर्स मदद करते हैं उनकी मदद से हम इस होम को चलाते हैं सरकार से हमको कोई सहायता नहीं मिलती है लेकिन फिर भी हम बेहतर कोशिश करते हैं बच्चों को हम रखें बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर्स लगे हैं नर्स हैं पढ़ाने के लिए टीचर्स आते हैं डांस टीचर आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो बच्चों की जरूरत के लिए जो भी चीज़ें आवश्यकता है जो भी टीचर की जरूरत है म्यूजिक टीचर आता है गाने के लिए वो सब अरेंज करते हैं लोग आते हैं तो जैसा कि आपने मतलब सुना इनसे कि इनको सरकार की तरफ से इतना कुछ नहीं मिलता है कोई हेल्प नहीं मिलती है सारी चीज़ें खुद अरेंज करते हैं और काफ़ी लोग हैं जो हेल्प करते हैं लाइक इधर डांस टीचर भी आते हैं और सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है बच्चों की और यहाँ वो बच्चे रहते हैं लाइक जिनके माँ बाप नहीं हैं और जो खो जाते हैं या सूचना में नहीं है कि उनके माँ बाप हैं या क्या सीन है तो वो सब सारे बच्चों को ये देखते हैं और बाकी काफ़ी आपको दिक्कतें होती होंगी लाइक बच्चों को संभालना कोई मतलब आसान बात नहीं है हर बच्चा अपना भाग लेके आता है और स्टाफ है उसको संभालने के लिए निश्चित तौर पे बच्चा जब माँ बाप से पिछड़ता है तो उसको बहुत दुख होता है लेकिन फिर भी तमाम सारे बच्चों के साथ 2-3-4 दिन में उस लाइन पर रवाना हो जाता है और बच्चों के साथ रहता है दोस्ती के साथ रहता है या टीवी देखने की भी व्यवस्था है तमाम सारी जो चीज़ें उनकी जरूरत है मतलब यहाँ सारी व्यवस्था घर जैसी की गई है और प्रयास किया जाए उनको घर जैसे माहौल में रखा जाए घर जैसे
बच्चों को फेंके नहीं, अगर वो वाकई उन बच्चों को नहीं पालना चाहते हैं तो हमको सौंप दें, सुरक्षित जीवन रहेगा। और अगर ऐसी बात खुल जाएगी कि कौन किसने फेंका है तो उसका 302 को मुकदमा लग सकता है, वो हत्यारे बन सकते हैं, वो हत्यारे हैं, इस बच्चों की हत्या ना करें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो एक बालिका को, नवजात बालिका को फेंक दिया गया, लेकिन हमने उसको संभाला और लाया, उसको अस्पताल में भर्ती कर रखा है, एलएम उसका इलाज चल रहा है। लेकिन मेरे लोगों से अपील है कि ऐसे बच्चों को फेंके ना, अगर वो नहीं पालना चाहते हैं तो चाइल्ड लाइन को सुरक्षित सौंप दें, हम उनके नाम को गोपनीय रखेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, और हम बच्चे का जीवन भी बच जाएगा और आप इस अपराध से भी बच जाएंगे कि सड़क में फेंक रहे हैं, हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, इस अपराध से भी बचेंगे और बच्चे को भी सुरक्षित जीवन मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि कल की एक घटना है, एक दिन की बच्ची को फेंक दिया गया, जिनको सर उठा के लाए और इलाज करवा रहे हैं उसका, बाकी पूरी देख रेख ये करेंगे। ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, और यही अपील है कि ये एक मतलब कि ये एक अपराध है, आप ना करें। चाइल्ड लाइन को सौंप दे बच्चा, अगर आपको नहीं रखना, पहली बात तो ये गलत बात है, आपको ये नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो इसको प्लीज़ शेयर करिए और ये अवेयरनेस हम लोगों को फैलाना है कि लाइक बच्चों को ऐसा मत करिए, एक बहुत बड़ा अपराध है। और अभी हम आपको ऊपर मिलवाएंगे बच्चों से, जो कि बहुत कम एज के बच्चे हैं और सबकी देख रेख करते हैं सर, और इनकी पूरी टीम है, उनकी टीम से भी हम आपको मिलवाएंगे। पहले मिलवाते हैं हम आपको छोटे बच्चों से। हेलो, नमस्ते। नमस्ते कर लो। नमस्ते, हैप्पी होली। यार बहुत छोटे हैं तो एक ही बार मार रहा है चलो। इसको ले आओ, उसको ले लिया वो। अरे बाप रे, जाओ तुम भी आओ जाओ। हेलो, वो जाएगा नहीं। हाय, अरे बाबू हाय। हेलो, अरे बाप रे, हमने कभी बच्चे के साथ नहीं है यार एक्सपीरियंस लिए कोई। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम भी बैठो, कंधे में बैठा लो। क्या हुआ? नमस्ते कर रहा हूँ। वो एक दिन वाली बच्ची कहाँ है? ये भैया एक दिन वाली तो भी अलर्ट में। अच्छा। ये 20 दिन का है। अच्छा। ये जो बच्चा है ये 20 दिन बस का है। यार ये 6 महीने की है, ये 6 महीने की है, वो 2 मंथ की है, वो तो लेती हुई है। तो दोस्तों, अभी आप बच्चों से मिले, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पे छोटे बच्चे बैठते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं खेल रहे हैं बच्चे। और इधर आप लेके चलते हैं, इधर पे किचन है जहाँ सारा खाना बनता है, हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखा गया है, आप देख सकते हैं सब कुछ साफ सुथरा आपको मिलेगा। और यहीं पे मतलब खाने का अरेंजमेंट होता है सारे बच्चों का, जो नीचे हैं, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, सबका खाना यही बनता है, और यहाँ सब बैठ के खाते हैं। और अभी आइए अंदर। हाँ, लगाएगा ये वो भी लगाने
तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ कितनी छोटी उम्र के बच्चे हैं, बड़ी उम्र के बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, और बच्चों को संभालना कोई आम बात नहीं होती, हर कोई नहीं संभाल पाता है। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पूरी केयर पूरी टीम करती है इनकी, ये मैम करती हैं पूरी केयर, ये सर करते हैं पूरी केयर, लाइक बच्चों का सारा चीज़, खाना पीना, उनकी हेल्थ को लेके सारी चीज़ें सर और मैम हैंडल करते हैं, और पूरी टीम इनकी हैंडल करती है, जिसके लिए बहुत दिक्कतें आती हैं। मैम, आप बताइए, आप कैसे, मतलब इतने सारे बच्चों का हैंडल करना कैसे कर पाती है, और परेशान करते होंगे बच्चे? सर, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं बच्चे भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और हमको कभी परेशानी नहीं होती इनसे, कभी परेशान नहीं करते ना, कभी परेशान नहीं करते हैं। अच्छे से रहते हैं। बाय चांस मान लो कभी किया भी अगर डांट दो या कुछ कह दो, तो भी सारे बच्चे मान जाते हैं, कहना मानते हैं, बात मानते हैं, और बाकी हमें बच्चों से कोई दिक्कत नहीं होती। जी, आप लोग जानते हैं, मतलब कि हमने बताया है बच्चे क्या हैं और कैसा सिचुएशन है, तो जो भी फैमिली है इन्हीं की फैमिली है, ये उनको फैमिली मानते हैं, वो इनको फैमिली मानते हैं, तो बात मानते हैं, अच्छे बच्चे हैं। और बाकी हम मैम, हम अपनी तरफ से कुछ लाए हैं आप सभी के लिए, लाइक हमने साथ में होली खेली तो बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ, और कुछ हम आपके लिए लाए हैं जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, और जो कम एज के बच्चे हैं लाइक 10-12 साल के, उनके लिए भी। जी मैम, छोटे बच्चों के लिए अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जिलों से आते हैं, काफी दूर दूर से, काफी दूर दूर से, हमको इनका एड्रेस भी नहीं पता होता कहाँ से आए, कुछ बच्चे सही बताते हैं, कुछ बच्चे झूठ भी बोल देते हैं हम कहाँ के हैं या नहीं है, मतलब काफी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग बाद हम लोग पता करते हैं कि ये बच्चे इस देश के हैं या फिर हम। अच्छा, बाहर देश से भी बच्चे आ जाते हैं, खो जाते हैं? कई जिलों के, मतलब अलग अलग जिलों से बच्चे होते हैं। अच्छा, ये नहीं, अपने यूपी के ही बच्चे हैं, बाहर से भी बच्चे हैं, बच्चे आते हैं। तो लाइक दोस्तों, ऐसा है कि मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर नहीं पता होता है, घर क्या है, खो जाते हैं, या कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे भागकर आ जाते हैं, तो उनको ये एक अच्छी राह दिखाती है, और उनके फ्यूचर के लिए लाइक ये लोग सब करते हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। और बाकी कुछ चीज़ें और हैं, ये आप लीजिए, ये होली है, आप वहाँ रख दीजिए मैम, ये होली है बच्चों के लिए, कुछ मिठाइयाँ, हैप्पी होली। ये छोटा सा हमारी तरफ से, आप इसको इधर रख दीजिए,
नीचे रख दो क्या? तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हम होली में क्या करने गए थे, हम होली में इन बच्चों के साथ होली खेलने गए थे। और एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको शेयर करना चाहते हैं। लाइक आपने वीडियो में भी सुना कि एक बच्ची है, एक दिन की बच्ची जिसको फेंक दिया गया झाड़ी में और झाड़ियों से उठाकर उसको लाए सुभाष चिल्ड्रन सोसाइटी वाले और उसकी उसका इलाज चल रहा है अभी, वो मतलब हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। इस चीज की अवेयरनेस हमको फैलानी चाहिए। और ये बच्चे जिनसे हम मिले होली में, इनके चेहरे पे हमको वो खुशी दिखी, इनका कोई नहीं है, इनको नहीं पता इनके पेरेंट्स कौन है, इनकी फैमिली कौन है। लेकिन जो भी वहां के लोग हैं सुभाष चिल्ड्रन सोसाइटी वाले, ये उन्हीं को अपनी फैमिली मानते हैं और हमेशा खुश रहते हैं ये बच्चे, इसलिए हम इनके साथ होली मनाने गए। बाकी हमने क्या किया कि बच्चे हैं, होली का त्यौहार है, तो हम उनके लिए कुछ पिचकारियां लेके गए, कुछ कपड़े लेकर गए, कुछ मिठाइयां लेकर गए और उनके साथ होली मनाई। उनको भी बहुत अच्छा लगा। और ऐसा है कि जैसे आपको वीडियो में दिखाया कि गवर्नमेंट से इनको कोई हेल्प नहीं मिलता है, कुछ लोग हैं, कुछ सपोर्टर्स हैं जो ये सब चीजें कर रहे हैं, जिनके सपोर्ट से ये सब चल रहा है। तो इनके पास लाइक एक कुकर नहीं था, खाने बनाने के लिए कुकर नहीं था। समझ रहे आप कितनी बड़ी बात है, कितने संघर्ष से ये चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो हमने उसका भी अरेंजमेंट किया। बाकी जो छोटे बच्चे हैं, दो दो दिन के, एक एक महीने के, छह छह महीने, उनके लिए पैंपर्स एंड काफी चीजें होती हैं, वो सब हमने आपके सपोर्ट के से किया जो कि आपने वीडियो देखी है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कहीं भी आपको कोई बच्चा मिले तो 1098 इस नंबर पे कॉल करके आप उस बच्चे को सौंप सकते हो। और ये अवेयरनेस जरूर फैलाए कि किसी भी बच्ची के साथ, नवजात बच्ची के साथ जो ये हुआ है वो दोबारा मत हो। और अगर आप किसी भी तरह इन बच्चों की हेल्प करना चाहते हो तो गूगल पे पेटीएम नंबर सब डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, वो उन तक पहुंचा दिया जाएगा। और जो भी हुआ है सब आपकी बदौलत हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।